हिंदी के जाने माने कवि जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय लेकर मैं अल्पना वर्मा यहाँ उपस्थित हूँ। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ हम जो सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं वह सरल और संक्षिप्त रूप में है और विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए इसे तैयार किया गया है। छात्रों से अनुरोध है कि दिए गए बिंदुओं को विस्तार देते हुए परीक्षा में उत्तर लिखें। जैसे प्रश्न कितने अंक का है, उसके उत्तर में आपको कितना लिखना है, उसके हिसाब से आप तय करें। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, कक्षा 12 ऐच्छिक बोर्ड की परीक्षा है, उसके प्रश्न पत्र में जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो हम उत्तर को इस तरह से बांट सकते हैं, जन्म व जीवन परिचय लिखें, उसके बाद उनकी रचनाओं का उल्लेख करें और काव्यगत विशेषताओं के बारे में कम से कम 4 बिंदु लिख सकते हैं या जितनी पूछी गई हैं। कई बार सिर्फ 2 विशेषताएं पूछी होती हैं तो 2 लिखिए। तो इस तरह से प्रश्न और उसके अंक के अनुसार आप जानकारी को तय करके उत्तर लिखें। जयशंकर प्रसाद जी, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म और जीवन परिचय विस्तार से आप अवश्य पढ़िएगा, इंटरनेट पर अवेलेबल है। मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1879 को बनारस में, जो पहले काशी कहलाता था, वहाँ हुआ था और 8वीं तक इन्होंने स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई की। इन्हें संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेज़ी साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान था, इन्होंने बहुत पढ़ाई की और इतिहास, दर्शन आदि विषयों का भी इन्होंने अध्ययन किया। ये ना केवल कवि हैं, इनकी लिखी हुई कहानियाँ भी आप पढ़ें और राष्ट्रीय जागरण एवं सामाजिक जागृति इतिहास के मूल तत्व हैं, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन शुरू हो चुके थे। तो उन सब बातों का भी कोई भी लेखक या कवि होता है उस पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो इनके लेखन में भी देश प्रेम की बातें आपको देखने को मिलेंगी। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं काव्य झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, नाटक राजश्री, अजाशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, उपन्यास कंकाल, तितली, ईरावती जो अधूरा रह गया, कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, निबंध, काव्यकला तथा अन्य निबंध पुरस्कार, हिंदुस्तानी एकेडमी एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कामायनी पर इन्हें मरने के बाद इनाम मिला, पुरस्कार मिला जो था मंगला प्रसाद पारितोषिक। साहित्यिक विशेषताएं, प्रसाद साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भारतीय दर्शन, संस्कृति और मनोविज्ञान के साथ साथ भारतीय जीवन का सफल चित्रण हुआ है। जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है, मानव प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम, मानव सौंदर्य। छायावादी कवि हैं जैसे मैं बता चुकी हूँ। काव्य का शिल्प विधान अत्यंत सूक्ष्म है, मनोहर शब्द चयन है और वाक्य विन्यास भी प्रभावी है। प्रसाद साहित्य का स्वर राष्ट्रीय जागरण और सामाजिक जागृति का है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से जीवन मूल्यों की स्थापना की है। प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण बहुत ही खूबी से इन्होंने अपने लेखन में किया है। प्रतीक योजना, बिंब विधान और अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग देख सकते हैं। प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की अभिव्यक्ति इनके काव्य में मिलती है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इसके साथ ही जयशंकर प्रसाद जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ समाप्त होती है।